हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। बिहार के अंतर्गत जितने भी थाने हैं सभी कंप्यूटराइज होने हैं और सभी में जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर स्पेशलिस्ट की बहाली करनी है। और इसी के रिगार्डिंग में जो है बिहार सरकार को पटना उच्च न्यायालय ने फटकार भी लगाई है, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग में मैंने 2-3 वीडियो भी पहले अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर, आप लोग देखे भी होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। तो उसमें मैंने बताया था कि इसके रिगार्डिंग में जैसे ही फ्रेंड्स कोई आता है अपडेट तो मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले लेके आऊँगा। और फ्रेंड्स, लगभग 6-7 महीना पहले एक न्यूज़ आया था कि सभी जो है थानों में कंप्यूटर ऑपरेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली होगी, लेकिन अभी तक जो है ये अभी तक कोई भी इसके बारे में काम नहीं हुआ है, कुछ भी अपडेट नहीं आया है। लेकिन जो भी आता है फ्रेंड्स अपडेट, थोड़ा मोड़ा ही अपडेट, तो मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। तो यहाँ पर एक और आया है अपडेट कि सभी थानों में जो है कंप्यूटराइज होना था आपका सितंबर तक, लेकिन यहाँ पर नहीं किया गया है। तो उच्च न्यायालय ने लगाया फटकार, तो वहाँ पर टाइम मांगा है अक्टूबर तक का, नहीं अक्टूबर तक जो है ये बहाली हो जाएगी और सभी थानों के अंदर का जो है कंप्यूटर आपका इंस्टॉल हो जाएगा और इसके अंदर बहाली भी होगी। तो उसका पूरा अपडेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और आप चाहते हैं कि इस तरह के अपडेट आपको मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है। फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। पटना जिला के एक भी थाने कंप्यूटराइज नहीं हुए हैं और 15 अगस्त तक पटना और नालंदा जिले के 61 थानों को कंप्यूटराइज कर लिया जाना था। कंप्यूटराइज व्यवस्था करने की जिम्मेदारी TCS को दी गई है और कुछ तकनीकी कारणों से कंपनी द्वारा अक्टूबर तक का समय मांगा गया है। फिलहाल इन सभी थानों में मात्र एक ही कंप्यूटर है जिसका उपयोग किसी प्रकार का पत्र निकालने, डेटा निकालने आदि को काम में किया जाता है और इसमें आम लोगों से जुड़ा कोई काम नहीं होता है। थानों में जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर भी नहीं है जिसके कारण कंप्यूटर के जानकार जो है कांस्टेबल उसी से काम कराया जा रहा है। और पटना जिला में CCTNS प्रोजेक्ट के तहत हो रहे काम की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी DSP मुख्यालय आलोक जो है कुमार सिंह को दी गई है। और आलोक कुमार सिंह ने बताया कि जिस TCS कंपनी को इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई है उसने अक्टूबर तक का समय मांगा है और इसके साथ ही करीब 250 थानों को कंप्यूटराइज करने की जानकारी दी है। और क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम CCTNS प्रोजेक्ट के तहत पूरे बिहार के 894 थानों की व्यवस्था कंप्यूटराइज करनी थी, लेकिन अब तक जो है ये व्यवस्था अक्टूबर तक पूरी करने की संभावना जताई गई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिहार में लगभग जो है 894 थानों के अंतर्गत जो है सभी थानों में 3-3 कंप्यूटर लगेंगे, उसको मैं दिखा रहा हूँ, आगे अपडेट दिया गया है। पुलिस व आम लोगों को होगा फायदा, CCTNS प्रोजेक्ट के तहत अगर थानों को कंप्यूटराइज करने का काम पूरा हो गया तो इससे आम लोगों को साथ ही पुलिस को भी फायदा होगा। आम लोग जो है थानों में दर्ज FIR, डायरी, चार्जशीट को ऑनलाइन देख सकेंगे और इसके साथ ही ऑनलाइन FIR भी कर सकते हैं, जबकि पुलिस के लिए भी काम आसान हो जाएगा क्योंकि अपराधियों की फिंगरप्रिंट, डेटाबेस, गुंडा रजिस्टर, गिरोह की जानकारी आदि ऑनलाइन देख सकेंगे। और मसलन जो है राजस्थान के किसी अपराधी की हुलिया व अन्य जानकारी को बैठे बैठे पटना जिला के थाना पुलिस देख सकेंगी और इससे अनुसंधान करने में आसानी होगी और अपराधियों की पहचान तुरंत कर ली जाएगी और इसके लिए पत्राचार आदि करने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट के तहत क्या क्या किया जाना है चलिए दिखा रहे हैं। कंप्यूटर में एक विशेष सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाएगा जिसमें थानों में होने वाली FIR, सुपरविजन रिपोर्ट, चार्जशीट, अपराधियों का डेटाबेस डाला जाएगा और काम पूरा होने के बाद हर थानों को NCRB, SCRB पुलिस मुख्यालय व अन्य राज्यों के थानों में जोड़ दिया जाएगा और हर थानों में कम से कम 3 कंप्यूटर की व्यवस्था की जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, एक थानों में 3 कंप्यूटर की व्यवस्था की जाएगी और इंटरनेट जो है इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था होगी और 3 डेटा एंट्री ऑपरेटर की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अपडेट कि सभी थानों में 3-3 कंप्यूटर रहेंगे और 3-3 ऑपरेटर रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि FIR, सुपरविजन रिपोर्ट, चार्जशीट आदि की एंट्री करेंगे ताकि उसे ऑनलाइन देखा जा सके। तो डेटा एंट्री की जब यहाँ पर होगी काम तो ऑटोमेटिक उसकी बहाली होगी। तो यहाँ पर जब अक्टूबर तक काम पूरा कर लेने का यहाँ पर दावा किया जा रहा है तो जल्द ही इसके रिगार्डिंग में फ्रेंड्स उम्मीद है कि वैकेंसी भी आ जाएगा और वैकेंसी जैसे ही आता है फ्रेंड्स तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के जरूर लाऊंगा।
और जो है अपनी टीम कर रहे हैं तैयार, पटना पुलिस भी जो है अपने कंप्यूटर प्रोफेशनल को तैयार कर रही है और इसके लिए सब इंस्पेक्टर, ASI, कॉन्स्टेबल आदि को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे खुद भी प्रोजेक्ट के बनाए गए सॉफ्टवेयर में अपने अपने केस से संबंधित जानकारी को अंकित कर सकेंगे एवं ऑनलाइन जानकारी ले सकेंगे और इसके लिए SSP कार्यालय में बने एक हॉल में प्रतिदिन प्रशिक्षण दिया जा रहा है और कोतवाली में भी एक कंप्यूटर, यानी कोतवाली थाना में भी एक कंप्यूटर है लेकिन डेटा एंट्री ऑपरेटर नहीं है। कोतवाली थाना के एक कंप्यूटर के जानकार कांस्टेबल कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो जब तक ये बहाली नहीं हो जा रही है तो जो कांस्टेबल हैं उन्हीं को प्रशिक्षण देकर काम कराया जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है सभी थानों में 3-3 कंप्यूटर होंगे और उसके अलावा 3-3 ऑपरेटर भी बहाल किए जाएंगे। यही तो अपडेट फ्रेंड्स आप लोग को जो मुझे आप लोग को देना था। तो इसके रिगार्डिंग में जैसे ही कोई आता है और भी अपडेट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में फ्रेंड्स बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको मिल सके अपडेट। तो चलिए फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी हमारी वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।